हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं नहा गई हूँ क्योंकि मुझे आज मार्केट जाना है। और आज पिछले कल ही मैं रात को दीदी की पीजी आ गई थी, तो अभी हमने निकलना है। वो ऑफिस में है और मुझे रेडी होके ऑफिस ही जाना है। तो मैंने ये जो स्टार्ट किया है व्लॉग, ये इसलिए अभी किया है क्योंकि मैं साथ ही में जहाँ पे बैठी हूँ उसके साथ ही मैं नीचे ना एक वीडियो के लिए शूट हो रहा है, तो मैं इसको बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए मुझे। ये देखिए, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे ना, ये शूट चल रहा है। प्रॉपर कैमरा वैमरा सेटिंग एंड ऑल। और आई थिंक ये पंजाब से है सारे लोग, क्योंकि पंजाबी में ही बात कर रहे थे। और प्रॉपर सब कुछ सेटअप लेकर आया, पीछे रखे हैं कैमराज एंड ऑल इन्होंने। यहाँ पे पूरा सामान है इनका, पर मैं आपको शायद आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। हम भी एक दिन ऐसे ही शूट करेंगे आउटडोर, ओके, वेरी सून। और वैसे मैंने किया है आउटडोर शूट, पर वो डॉक्यूमेंट्री के लिए किया है, मतलब अपने ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है। पालमपुर में गई थी और ज्वाला जी गए थे, कांगड़ा गए थे, हमीरपुर गए थे, तो ऐसी ऐसी जगह में तीन चार डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी, तो तब हम गए थे। तब मैंने ऐसे आउटडोर शूट किया था, या बहुत बार ऐसे और भी होता है आउटडोर, बट इस तरह से कभी नहीं होता कि गाने के लिए आप कोई शूट कर रहे हो। उसमें मेरे को लगता है ज़्यादा मज़ा आता होगा, पूरी टीम काम कर रही है और आप एकदम आउटडोर में ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे ऐसे लगता है। स्टूडियो में बैठ के होता ही है मतलब, पर आउटडोर जो है उसमें और कुछ सीखने को मिलता है, एक्सप्लोर करने को मिलता है बहुत कुछ। तो चलिए हम भी रेडी हो जाते हैं क्योंकि मुझे भी ऑफिस जाना है दीदी के पास वो ब्रेकफास्ट करने। और ये जो इयर रिंग मैंने पहने हैं, ये मेरी दीदी लेकर आए हैं सोलन से, क्योंकि उनके पास थे तो मैंने कहा था मुझे भी चाहिए ऐसे ना, सुंदर है, तो मैंने ये पहन लिया अभी सुबह सुबह ही, बट मैं शायद उतार दूँगी क्योंकि मेरे आउटफिट के साथ जाएगी नहीं। तो चलिए तैयार होते हैं, मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। कुछ कुछ सामान रह गया है, फूल आ जाओ कुछ। अभी मुझे ब्रेकफास्ट करने ऑफिस जाना है क्योंकि हमने सुबह सुबह यहाँ बनाया नहीं था, दीदी चले गए थे, तो हमने सोचा कि हम ऑफिस में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। यहाँ से ऑफिस थोड़ा ही दूर है, मतलब 5 मिनट लगते हैं हार्डली, तो चलिए चलते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ नीचे, अभी भी एक्ट कर रहे हैं, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं बार बार ना रेडी हो रही हूँ और बार बार उनको देखने बाहर जा रही हूँ। बेचारों ने 5 से 6 टेक ले लिए इस वाले सीन के लिए। और यहाँ इनकी टीम है। ये मेरे को लगता है कि बैकग्राउंड में ना थोड़ा म्यूजिक होना चाहिए, तब एक फील आए और तब मतलब दिखे भी शक्ल पे कि हाँ यार ये हो रहा है वो हो रहा है। ये विदाउट सॉन्ग ही कर रहे बेचारे, इनको कहाँ से वो आएगा, फीलिंग आएगी और शक्ल पे दिखेगा कि नहीं यार शी इज़ वेरी हैप्पी कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसके लिए क्राउन लेकर आया है ये सब। आई थिंक बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड बजनी चाहिए, वैसे भी एंड में तो गाना ही बजना है ऐसा मुझे लगता है। मेरे को लग रहा है मेरे को बालों में कलर करने की ज़रूरत है शायद, तो मैं 2 मिनट में पहुंचने वाली हूँ ऑफिस। मज़े होते हैं ना ऐसे। मैं हमेशा स्कूल टाइम में सोचती थी काश मेरा घर जो है वो स्कूल के एकदम पास हो, मतलब मेरे खिड़की से, रूम की खिड़की से स्कूल दिखता हो, बट मेरा स्कूल जाने के लिए 1 घंटा, आने के लिए 2 घंटे था। चढ़ाई इतनी लगती थी हमें ना कि 4 बजे छुट्टी होती थी तो मैं 6:30 बजे घर पहुँचती थी, इतना दूर था। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आज कल तो नई नई मैटिंग होगी आपके लिए, वाह अच्छा लग रहा है। ठीक है ठीक है। हेलो जी, कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? आज आपका प्रॉब्लम? नहीं नहीं, आज नहीं प्रोग्राम। अच्छा, आज ऐसे आए थे? मैं कल उनके पास रुकी थी ना, दीदी के पास। हाँ ठीक है, ब्रेकफास्ट करने हैं। कैसे हैं? ठीक है, और सब ठीक? हाँ बढ़िया बढ़िया मैम, ठीक है। सुरंग है दोस्तों, ये सुरंग। कोट और शर्ट तेरी वजह से, मरून शर्ट पहनी थी मैं तो, मैंने थोड़ी बोला कुछ। हाथ
क्या नहीं नीचे आगे मैंने नहीं की रख ली मैंने घूमने की यार लापरवाह और रेकलेस इंसान है अपनी घड़ी के साथ साथ घड़ी अपनी वॉच के साथ साथ इस लड़की ने अपनी छोटी बहन की वॉच भी जो है वो बलि चढ़ा दी है मैंने नहीं किए घूम कहीं घर पे ही है वो अब तो मैं यही रखूंगी नो नो रीटेक बहुत सही बातें चल रही है हमारी टाइम में छोले भटूरे खाया करते थे यहाँ पे तो इसलिए हम सब आज छोले भटूरे खाते तो यहाँ पर हम सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं आज के दिन को। मेरे बड़े पापा शिमला आए हुए थे, हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग कुछ करनी थी, तो ये सब कुछ चल रहा है और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने ये वाला टाइम। गाइज अभी मेरी स्टूडियो में ना डोर नहीं लगा है, अभी डोर लगना बाकी है, तो यहाँ से बहुत आवाज़। अभी मैं आई हूँ अपने स्टूडियो और क्योंकि हमने थोड़ा बहुत सेटिंग वेटिंग करनी थी यहाँ पे, ये कुछ नई चीज़ें हमने ऐड ऑन की हैं तो ये सब कुछ लगानी थी और यहाँ पे हमने पूजा भी कर ली है भगवान जी के लिए। बस यही कुछ चल रहा है अभी, धुआं धुआं हो गया बहुत विंडो। आज हमारा कोई शूट नहीं है बट आज सफाई करने के लिए ही हम आए हैं क्योंकि बीच में 3 से 4 दिन का गैप दे दिया था, उस टाइम हम आए नहीं थे, हमें कुछ काम था घर पे और कुछ पर्सनल काम चल रहे थे, तो अभी हमारे पास टाइम भी था तो हमने सोचा कि चलो आज छुट्टी भी है और ऑफिस भी नहीं था मेरा आज, तो आज स्टूडियो चलते हैं और सफाई कर लेते हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत झाड़ू वाड़ू क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए थे। तो गाइज़ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पॉडकास्ट नहीं सुन रहे तो प्लीज़ जाइए और सुनिए। इसको मत लगा हाथ में यार, सूजी फट जाएगा ना यार। दोस्तों अपने भाई का मौसम भी ख़राब सा हो रहा है और हम जा रहे हैं वापस घर, कल हमारा एक शूट है तो उसकी तैयारी करनी है थोड़ी बहुत, मतलब हो गई है मोस्टली, अब कल ही हम आएंगे, देखते हैं कल क्या कुछ रहता है। हेलो अब क्या रह गया, पकड़ ले। हेलो हेलो तो ये है आज का व्लॉग, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।